हाय सपना, एक साल के बाद मिल रहे हैं। सो कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली M78 में आ गई। अभी बाल कैसे हैं? देख रहे हो? बहुत बढ़िया, और मैं बहुत खुश हूँ। सो तुम्हारी स्टोरी बताओगे हमारे M78 ऑयल के लिए? पक्का। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मंजू, यानी हमारी मंजू और सबकी प्रोफेशनली मीना जी, तो इनके M78 में आके बहुत पॉजिटिव फील होता है। और सबसे पहली बात, आप जो मेरे ये बाल देख रहे हो, ये नेचुरल ग्रोथ है। मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था 2019 में, और उसके बाद मेरे कीमोज हो गए। और आप सब जानते हो कि कीमोज में बाल पूरे चले जाते हैं। और ऑब्वियसली प्रोफेशन से मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। खुद को नॉलेज होना और वो अपनाना और उस वक्त समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। जब मेरे फोर्थ कीमो के बाद सारे बाल चले गए और मैं मंजू के पास आ गई शेव करने के लिए, बिकॉज आई ट्रस्ट हर फॉर माई हेयर, तभी मैंने उसको सिर्फ इतना ही कहा कि मंजू, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे बाल कैसे आएंगे। और तब उसने मुझे एक ऐसा मैजिक दिया, वो मैजिक है M78 का ब्लैक ऑयल। मेरा पूरा शेव कर चुके थे, और उसके बाद डेली मैं वो ऑयल अच्छे से मेरे बालों में लगाती थी। और उसके बाद में आज आप नतीजा देख रहे हो कि मेरे बाल ऑलमोस्ट 6 to 8 month में ये ग्रोथ इतना अच्छा, थिक और पहले जैसा ही हो रहा है। मैं सच में बोल रही हूँ कि आई एम द मोस्ट पर्सन हु इज प्राउड ऑफ मीना और मंजू, हमारी मंजू, क्योंकि ये इस तरीके के बाल मुझे डॉक्टर्स, पेशेंट्स सभी पूछते हैं कि आपके हेयर क्वालिटी इतनी अच्छी कैसी है। तो उसका राज है ब्लैक ऑयल M78। थैंक यू, थैंक यू सो मच सो मच। सपना, मुझे सिर्फ सबको एक मैसेज देना है कि जब भी हमारे अंदर कोई बीमारी आती है, तो बीमारी में हम लोग बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं। तो मैं चाहूंगी कि सबको एक पॉजिटिव थॉट दिया जाए। हमेशा मैं बोलती हूँ कि हम अगर पॉजिटिव है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम स्ट्रांग कर लेते हैं, तो वो सारी चीजें हमें मिल जाती है। तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि हर एक कैंसर वाले पेशेंट को तू एक मैसेज दे। मैं सिर्फ इतना ही मैसेज दूंगी कि जिस वक्त मुझे पता चला मुझे कैंसर है, तो मैंने यही सोचा, उस दिन से आज तक मैं एक ही स्लोगन बोलती हूँ, मुझे जीना है और मुझे हेल्दी जीना है। बस आप यही रोज सोचिए, मैं आपको पक्का बताती हूँ, ये पॉजिटिविटी आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। और उसके आगे जाकर मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, आई एम ब्लेस्ड विथ फ्रेंड्स लाइक मंजू, और भी मेरे सारे फ्रेंड्स थे जो हमेशा मुझे पॉजिटिव थॉट्स भेजते थे। सो प्लीज गाइज, डोंट वरी, ये एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत कॉमन है, और इससे आप आराम से सर्वाइव हो सकते हो अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखो। थैंक यू सो मच सपना, लव यू सो मच, लव यू थैंक टू। यू।